हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार, शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैध धारिता के बारे में। धारिता क्या चीज़ होती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में किताबी डेफिनेशन तो नहीं, नॉर्मल जो व्यवहारिक डेफिनेशन होती है वो चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि धारिता क्या होती है। धारिता कहने का मतलब है कि कोई भी चालक हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी ग्रहण करने की क्षमता जितने, अगर चालक है तो वो आवेश ग्रहण करेगा। यहाँ पे हमें वैद्युत धारिता पढ़नी है तो जाहिर सी बात है वैद्युत आवेश की बात की जाएगी। तो किसी वैद्युत चालक द्वारा वैद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस वैद्युत चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी जो वो वैद्युत चालक जो है जितना अधिक से अधिक आवेश ग्रहण कर सकता है वही उसकी धारिता होगी। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड जो है आज का ये पूरा टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं और इसके बेसिक डेफिनेशन से आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये पूरी टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से सावधानी से पूरा देखिएगा। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। आइए शुरू किया जाए टॉपिक। तो धारिता यानी वैद्युत धारिता का डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि किसी वैद्युत चालक द्वारा उस वैद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम चालक को क्यू आवेश देते हैं, ठीक है, यदि चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि वी होती है, ठीक है, क्यू आवेश देने पर कितना, क्यू आवेश देने पर विभव में वृद्धि कितनी होगी, विभव में वृद्धि मान लेते हैं वी होती है, ठीक है। तो ये जो है यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आवेश दे रहे हैं उतना विभव बढ़ रहा V हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट ले आते हैं C, जहां C एक नियतांक, जहां C एक नियतांक है, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं वैद्युत धारिता, सी को ही कहते हैं वैद्युत धारिता, यानी कैपेसिटी। सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई डी, ये हो गई हमारी वैद्युत धारिता, ठीक है। सी ये क्या हो गई वैद्युत धारिता। अब इसके मात्रक की बात की जाए, बीमा की बात की जाए, सारी बातें यहीं पे कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसके मात्रक की बात किया जाए, मात्रक, ठीक है, ये वी होता, ठीक है। तो अगर नॉर्मली मात्रक हम देखें तो क्यू का मात्रक क्या होता, कूलाम, बी का मात्रक क्या होता, बोल्ट, ठीक है। तो ये एक मात्रक ये भी इसका बनेगा, कूलाम बटे बोल्ट, ठीक है। इसी को कहते हैं फैरड, इसका मात्रक क्या होता है, फैरड, ठीक है। बीमा की बात करते हैं, बीमा, तो बीमा जो है इसकी निकाली जाएगी जो इसका मेन मात्रक होता है उससे, ठीक है। मेन मात्रक तो इसका फैराड है, लेकिन क्यू और बी का जो मेन मात्रक, क्यू का मेन मात्रक क्या है, कूलाम होता है, कूलाम बटे बोल्ट, ठीक है। अब बोल्ट क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू वाई की, यानी डब्ल्यू का मात्रक जूल और क्यू का मात्रक कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बीमा रटने की चीज़ें नहीं है, W यानी इसकी जगह जूल बटे में फिर कूलाम। अब ये कूलाम कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखिए कितने आसानी से बीमा निकल रहा, लेकिन आप लोग हैं कि रटते रहते हैं, ऊपर गया कूलाम स्क्वायर, नीचे जूल, ठीक है, ऊपर कूलाम स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, जूल हो गया। अब कूलाम की बीमा क्या होती है, यानी Q बराबर क्या होता है, आई टी, बीमा इसके क्या हो गए, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड स्क्वायर बटे जूल है, जूल को ऐसे ही रहने दो, या जूल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणे मीटर, यानी W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, न्यूटन मीटर, ठीक है।
अब तो सबका मात्रक विमा आपको क्लियर है, सबका विमा आप लिख दीजिए। एम्पियर को हम किससे लिखते हैं, ए, सेकंड को टी बटे न्यूटन, न्यूटन की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर टू, ठीक, टी की पावर माइनस टू होती है। मीटर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, मीटर, मीटर को लिखते हैं एल, तो हो गया कितना, इसको सॉल्व कर लो, एल 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 स्क्वायर एम एल की पावर माइनस टू, ठीक है, टी की पावर दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर, टी की पावर सीधे सीधे क्या हो जाएगी, यहाँ पर भाई दो, नीचे माइनस दो, ये ऊपर जाएगा, टी की पावर फोर हो जाएगा, टी की पावर फोर इंटू ए, ये इसकी बीमा होगी, ठीक है। तो बीमा काफ़ी सिंपल तरीके से हमने आपको निकलवा दिया है, यही इसकी बीमा होगी। ए पे सॉरी ए पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी बीमा हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि अगर हमारा कोई बिलगित गोलीय चालक है, हालांकि ये सीबीएसई वाले में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, इसलिए हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। कोई अगर हमारा बिलगित गोलीय चालक है इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी धारिता कितनी होगी, मान लेते हैं ये हमारा कोई बिलगित गोलीय चालक है, तो इसकी धारिता कितनी होगी, मान लेते हैं इस पर जो है आवेश जो दिया गया है वो टोटल आवेश कितना है, क्यू है, तो इस तरीके से इसको क्यू आवेश दिया गया है, तो क्यू आवेश जो है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब एक समान रूप से यानी सम आवेश दिया गया, इस पर कुछ ना कुछ विभव भी हो जाएगा, तो इसके पृष्ठ पर हर एक जगह विभव भी समान होगा, क्यों, क्योंकि ये गोला है, और गोला जो है वो क्या होता है, सम विभव होता है, और सम विभव जब कोई भी सम विभव पृष्ठ होता है, तो सम विभव पृष्ठ पर जो भी वैद्युत बल रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो इसके पृष्ठ पर हम विभव को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो क्यू आवेश हमने दिया है ये इसके सेंटर यानी बिंदु ओ पर है, ठीक है, बिंदु ओ पर है, तो पृष्ठ पर विभव कितना हो गया, पृष्ठ पर, अब सम विभव क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं लंबवत क्यों होती है, ये आप वीडियो नंबर थर्ड में देख सकते हैं, या लेक्चर नंबर थर्ड में इसको हमने डिस्कस किया था। पृष्ठ पर विभव कितना हो गया, पृष्ठ पर विभव, तो इसको डेराइव करने के लिए पहले आप ये चीज़ लिखेंगे कि माना कोई बिलगित गोलीय चालक है जिसको क्यू आवेश दिया गया, क्यू आवेश देने पर वो क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः क्यू आवेश देने की वजह से इसके विभव, इसका विभव क्या हो जाता है, बी, और इसका विभव भी इसके पृष्ठ पर एक समान होगा, क्यों समान होगा, क्योंकि गोला है, और गोला क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है, इस पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम आवेश को बिंदु ओ पर केंद्रित मान लेते हैं, यानी किसके केंद्र मान लेते हैं कि ये आवेश इसके केंद्र पर, तो विभव कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या मान ली गई है कितनी है, इस माले है, ठीक है, तो विभव वी बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि इसको के माध्यम में रखा गया हो, कहाँ रखा गया हो, के माध्यम में रखा हो, तो फोर पाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए, धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई बी, वैल्यू रख लो, C इक्वल टू Q बटे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन, फोर पाई के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू बाई ए, इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, ये सारी चीज़ें बटे में चली गई ऊपर, तो C इक्वल टू हो गया फोर पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये गोलीय चालक की धारिता होती है, ठीक है, ये गोलीय चालक की धारिता होती है। यदि मान लेते हैं कि इसको निर्वात में रखा गया है, यानी तो सी नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, इंटू ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कहाँ, निर्वात में, ये कहाँ है, माध्यम में, ठीक है। अब अगर हमें के का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों में भाग कर देते हैं, ठीक है, इसमें इससे क्या कर दें, भाग कर दें, तो क्या निकल जाएगा, सी बटे सी जीरो इक्वल टू फोर पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए ए कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के,
यही आपके माध्यम का परावैद्युतांक होगा। ठीक है, अगर आपसे माध्यम का परावैद्युतांक पूछ रहा है और माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता दोनों धारिताएं दी हुई हैं, तो दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए अब मान लेते हैं कि कोई आवेशित, अगला जो टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी देखते हैं। माना किसी चालक की जो धारिता है वो क्या है, सी है। अब उस चालक को हम क्या कर रहे हैं, क्यू डैश आवेश देते हैं, तो क्यू डैश आवेश देने पर उस चालक का विभव कितना हो जाता है, वी डैश हो जाता है। ठीक है, तो क्यू विभव वी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, धारिता की परिभाषा से वी इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश बाई सी, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब चालक पर क्या है, विभव स्थापित हो गया, अब यानी कुछ चार्ज क्यू डैश चार्ज आ गया ना चालक पर। अब इसके बाद जो भी चार्ज हम चालक को देंगे क्या करना पड़ेगा, ये जो आवेश है, ये आवेश जो हम एक्स्ट्रा आवेश देंगे उस आवेश का क्या करेगा, विरोध करेगा, देन इस आवेश के अगेंस्ट हमको उसको कार्य करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि अनंत से कोई सूक्ष्म आवेश डी क्यू चालक को ले आके देते हैं, तो ठीक है उस डी क्यू आवेश को देने के लिए चालक को इस क्यू डैश के अगेंस्ट हमको कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, विभव गुणे आवेश, तो विभव कितना है चालक पर, विभव कितना बी डैश, आवेश कितना दे रहे हैं डी क्यू, बी डैश की वैल्यू क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू। ठीक है, ये हो गया चालक को, ये तो सूक्ष्म आवेश डी क्यू दिया गया, क्यू आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, चालक को कुल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, कुल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश बाई जीरो से क्यू क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू। अब सी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, वन बाई सी ले लिया गया बाहर, इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या बचा सिर्फ जीरो से क्यू क्यू डैश डी क्यू, ये हो गया वन बाई सी क्यू डैश का स्क्वायर बाई टू जीरो टू क्यू। हम वैल्यू रख लो, क्यू डैश की जगह क्यू रखो पहले पल्ले में, वन बाई सी क्यू स्क्वायर बाई टू इन माइनस जीरो रखोगे जीरो कोई दिक्कत नहीं, तो ये कितना हो गया वन बाई टू, वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी, यही चार किया गया कार्य उसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, यानी यही किया गया कार्य यू हो जाएगा। तो ठीक है, यू इजकल टू एक फार्मूला ये आपका निकल के आया, दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, क्यू की वैल्यू रख दो। ठीक है, क्यू इजकल टू होता क्या है अभी बताया गया था, परंतु क्यू इजकल टू क्या होता है सी बी, क्यू की वैल्यू रख दो तो यू इजकल टू क्या मिलेगा सी बी, उसकी जगह रखेंगे तो एक बटे दो सी स्क्वायर बी स्क्वायर बटे सी, सी से एक सी कैंसिल हो गया, क्या हाफ सी बी स्क्वायर, एक ये निकल गया एक ये निकल गया, दो हो गया, एक फार्मूला और निकल के आएगा। ठीक है, इस बार क्या करना सी की वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो जितने भी फार्मूले हैं इसी तरीके से आपके जो भी चीज़ें गिवन रहेंगे क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आप फार्मूला रख लेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इस बार सी की वैल्यू रख देते हैं तो सी इजकल टू कितना होता है हमारा, सी इजकल टू होगा क्यू बाई बी, तब भी यही फार्मूला आएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले हैं, एक साथ राइट कर देता हूँ मैं, यू इजकल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका उभयनिष्ठ विभव कितना होता है, दोनों आवेशों को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो क्या एनर्जी में लॉस होता है, विभव में कमी आती है कि नहीं आती है, आवेशों की
में क्या होता क्या नहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम उभयनिष्ठ विभव कैलकुलेट करते हैं, क्या कॉमन विभव कितना होगा, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, उभयनिष्ठ विभव। अब मान लेते हैं ये जो चालक हमारा पहला चालक है ए, इसकी जो धारिता है सी वन, ठीक है, इस पर आवेश कितना है क्यू वन, इसकी धारिता है सी टू, इस पर आवेश कितना है क्यू टू, पहले इसकी इसका विभव कितना है बी वन, अब इसका विभव कितना हो गया बी टू, ठीक है। तो उभयनिष्ठ विभव बी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी बराबर फार्मूला क्या होता है, वी इजकल टू होता है क्यू बाई सी, बी इजकल टू क्या होता है क्यू बाई सी, यानी टोटल आवेश बटे कुल धारिता। तो उभयनिष्ठ विभव बी बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता, दोनों की धारिता कितनी हो जाएगी संयुक्त धारिता, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 बटे कुल धारिता कितनी हो गई C1 प्लस C2। अब Q बराबर क्या होता है C इंटू बी, Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा C, Q बराबर होता है सी बी, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 B1, Q1 बराबर क्या होगा C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2, ये क्या है उसकी कुल धारिता आ गई, ठीक है, उसका उभयनिष्ठ विभव ये है। उस दोनों चालकों को एक दूसरे से जब जोड़ते हैं तो ये इसका कॉमन विभव है। अब स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसको भी निकाल लेते हैं। स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ठीक है, मान लेते हैं कि चालक ए पर Q1 आवेश है, ठीक है, तथा जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है क्यू डैश हो जाता है। चालक ए पर Q1 आवेश पहले से, जोड़ने के बाद चालक ए पर आवेश की मात्रा Q1 डैश हो जाती है, कितनी हो जाती है Q1 डैश, ठीक है। तो अब स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी हो गई Q1 माइनस Q1 डैश, यही तो नित मिली स्थानांतरित आवेश की मात्रा, Q1 की वैल्यू C1 B1, Q डैश की वैल्यू, भाई जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव सीधे दोनों का विभव बराबर हो जाएगा ना, तो C1 इंटू बी, C1 इंटू बी, अब C1 कॉमन है, C1 को कॉमन ले लिया जाए, B1 माइनस बी, ठीक है, अब भी यहाँ निकाली गई वैल्यू रख लो C1, B1 माइनस बी की वैल्यू, V की वैल्यू है C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2, तिरछा गुणा करो C1, C1 B1 प्लस C2 B1 माइनस C1 B1 माइनस C2 B2 टोटल C1 प्लस C2, ठीक है, C1 B1 C1 B1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बचा क्या C1 बाहर है, C2 B1 माइनस C2 B2 बटे C1 प्लस C2। अब यहाँ से C2 कॉमन ले लो, C1 पहले से, C2 भी बाहर आ गया, B1 माइनस B2 बटे C1 प्लस C2, ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा है, ठीक है, Q माइनस Q1 डैश, ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, काफ़ी इजी है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। अब आवेशों के पुनर्वितरण से ऊर्जा में ह्रास कितना होगा, तो जब इनको जोड़ा नहीं गया था तो पहले चालक की यानी चालक ऊर्जा में ह्रास, अगला क्या निकाल लेते हैं, ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ, तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 कितनी हो जाएगी,
एक बटे दो सी वन बी वन स्क्वायर, दूसरे चालक की स्थिति जुड़ जा यू टू एक बटे दो सी टू बी टू स्क्वायर, ठीक है। लेकिन दोनों चालक की कुल स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1 प्लस U2 एक बटे दो कॉमन हो गया C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, ये दोनों चालक की कुल स्थिति ऊर्जा है। अब जोड़ने के बाद इसके कुल स्थिति ऊर्जा निकाल लेते हैं, फिर पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ऊर्जा में ह्रास अपने आप आ जाएगा। इसको बना लो समीकरण नंबर एक, ठीक है। अब देखो दोनों चालकों को जब जोड़ा गया था तो उसकी कुल धारिता कितनी हो गई थी C1 प्लस C2, विभव कितना हो गया था कॉमन विभव B, ठीक है। जोड़ने के बाद इसकी कुल स्थिति ऊर्जा निकालो, ठीक है। तो जोड़ने के बाद विभव कितना हो गया था B, याद रखो उसको। जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा U, वो U हो गया, इसको U डैश मान लेते हैं, ठीक है। एक बटे दो C1, यानी कुल धारिता कितनी हो गई C1 प्लस C2, ठीक है, B स्क्वायर। अब विभव कितना हो गया V स्क्वायर, ठीक है। V की वैल्यू रख लो एक बटे दो C1 प्लस C2, V की वैल्यू C1 B1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर बचेगा केवल एक, आया कितना एक बटे दो C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये निकल गया समीकरण नंबर दो। ऊर्जा में कमी ह्रास, ऊर्जा में कमी बराबर क्या, पहले ऊर्जा कितनी थी उसमें से बाद वाली ऊर्जा क्या करो माइनस कर दो, तो कितना आएगा, पहले कितना था एक बटे दो सी वन बी वन स्क्वायर प्लस सी टू बी टू स्क्वायर, ये था माइनस एक बटे दो, बाद वाली कितनी है सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू का होल स्क्वायर बटे सी वन प्लस सी टू, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो ऊर्जा में कमी हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, एक बटे दो कॉमन है, कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा सी वन बी वन स्क्वायर प्लस सी टू बी टू स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस, यहाँ इसको ओपन कर दो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2, ठीक है, बटे C1 प्लस C2। अब सबका हर बराबर कर लो, इसमें C1 प्लस C2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा एक बटे दो कॉमन है, C1 से गुणा करेंगे C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर, फिर C2 से गुणा करोगे प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है, ये मिला माइनस ये चीज़ जो ये है, इसको लिख लो। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस, ये भी टू सी वन सी टू बी वन बी टू, ठीक है, और टोटल का बटे क्या हो गया सी वन प्लस सी टू। अब सी वन प्लस सी टू को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या एक बटे दो सी वन प्लस सी टू को भी बाहर ले लिया गया है, सी वन प्लस सी टू ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन ले लेते हैं C1 C2, यहाँ क्या बचा B1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा B2 स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा माइनस टू B1
बी टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर, बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर, एक बटे दो सी वन सी टू बटे सी वन प्लस सी टू इन टू बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर। यही है ऊर्जा में कमी, ठीक है, ऊर्जा में ह्रास यानी यू माइनस यू डैश, ठीक है। इसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र, क्या है संधारित्र, ठीक है, धारिता हो गया। अब संधारित्र किसे कहते हैं, एक ऐसी युक्ति बिना उसकी आकार और साइज को बढ़ाए उसके कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, यानी ऐसी युक्ति जिसके आकार को बिना परिवर्तन किए हुए उसमें आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा सकते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। इसके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो कल की जाएगी, आज सिर्फ इतना ही। इसको आप अच्छे से कवर कीजिए, रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।